हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ फिलिप्स कंपनी में। जी हाँ दोस्तों, फिलिप्स कंपनी में फ्रेशर्स के लिए हायरिंग चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी जॉब लोकेशन होगी आपकी, क्या सैलरी पैकेज होगा और कौन कौन सी बेनिफिट्स आपको कंपनी दे रही है। सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि उनसे कोई इंपॉर्टेंट वैकेंसी मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर बी बीटेक, जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा पुणे रहेगा। ठीक है, जॉब पोजीशन क्या होगा आपका, जॉब पोजीशन आपका टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर रहेगा। एक्सपीरियंस कैंडिडेट रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशन जो आपका पुणे रहेगा, सैलरी बेस्ड इन इंडस्ट्री रहेगी, मतलब एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है फिलिप्स कंपनी की उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी पैकेज रहेगी। आपका जो ब्रांच होना चाहिए वो बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है वहाँ पे, मेडिकल डिवाइसेस जो होगी उसका डेवलपमेंट करना है और टेस्टिंग एक्सपीरियंस करना है आपको। ठीक है, नॉलेज ऑफ डिजाइन कंट्रोल प्रोसेस ऑफ मेडिकल डिवाइस डिजाइन, ठीक है, आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपसे कंपनी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा वहाँ पे 1 ईयर का, उसके बाद आपको ऑन रोल रखा जाएगा, आपको जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाएगा। ठीक है, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस रहेगा, टेस्टिंग रिव्यू ऑफ यूजर नीडेड नीडेड यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्रिपेयरिंग टेस्ट सेनेरीज, ठीक है, ये सारा कुछ आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई लिंक में क्लिक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप फिलिप्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज तक पहुँच जाएंगे। इस पेज में पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ऑटो फिल विद रिज्यूम, अप्लाई मैन्युअली, यूज माय लास्ट एप्लीकेशन, अप्लाई विद सी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चुनना है, ऑटो फिल विद रिज्यूम, क्योंकि जब आप रिज्यूम अपना सबमिट कर देंगे तो आपका जो जो रिज्यूम में है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए, तो ऑटो फिल विद रिज्यूम आपको कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जिस तरह का पेज खुलने लगेगा, ये फिलिप्स कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना क्रिएट अकाउंट कर लेना, अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ठीक है, पासवर्ड डाल देंगे, फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, वेरीफाई न्यू पासवर्ड डाल देना आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेना यस पे, क्रिएट एन अकाउंट कर लेना। ठीक है, जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इंडिकेट रिक्वायर्ड फील्ड, यहाँ पे आपको अपना प्लीज अटैच योर रिज्यूम, यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम डाल देना है। सिलेक्ट फाइल में क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ भी आपका रिज्यूम है उसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका रिज्यूम अपलोड हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपलोड हो चुका है रिज्यूम। ठीक है, सक्सेसफुली अपलोडेड। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है, जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भरने का ऑप्शन आ जाएगा। डिड यू हेयर अबाउट, मतलब आपने ये कहाँ से सुना है इसके बारे में, जो जॉब का जो ये है नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिला, तो आप यहाँ पे कुछ भी सोशल नेटवर्क या कुछ भी डाल देंगे, सपोज मैंने लिंक्डइन यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, मैं लिंक्डइन यहाँ पे चूज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आर यू कैंडली टू हैव प्रीवियस वर्क फॉर फिलिप्स इंक्लूडिंग एज फाउंडिंग वर्कर इंटर्न, मतलब आपने कभी पहले फिलिप्स में कंपनी में काम किया तो आप यहाँ पे नो पे चूज कर लेना, अगर आपने काम किया है तो यस पे चूज कर लीजिए।
जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ भी पहले से नहीं भरा था, जो मैंने रिज्यूम में डाला है वो सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। जो स्टार मार्क है वो आपको मैंडेटरी भरना ही है। यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है, स्टेट जो आपका रहेगा वो डाल लीजिएगा, झारखंड से तो मैंने झारखंड डाल लिया, मोबाइल नंबर आप अपना डाल लेंगे। आप कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पे फोन नंबर डाल लेना है, ठीक है, फिर यहाँ पे सेवन कंटिन्यू का ऑप्शन है वो आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही सेवन कंटिन्यू पे आप क्लिक कर लेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। एक्सपीरियंस के बारे में आपको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है, जो जो स्टार मार्क है वो जरूर आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है, जो डिग्री है आपका हाईएस्ट डिग्री वो आप यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। आपका आपके पास आउट है आपका, मतलब कोर्स कब आप स्टार्ट किए थे, कब आपका खत्म हुआ, ये आपको डाल लेना है। स्टडी ऑफ फील्ड क्या है आपका, जैसे यहाँ पे डिग्री का ऑप्शन है, जैसे मैंने बीटेक वाला डाल लिया था, अब आपको ट्वेल्थ डालना है, तो आप यहाँ पे ट्वेल्थ वाला डाल लेंगे। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रीम रहेगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो स्टार मार्क है वही भरना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप सबमिट कर लेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, डी यू एग्री विद फिलिप्स कॉन्टेक्टिंग यू फ्यूचर जॉब पोजिशन, इफ यस विल रिटेन योर पर्सनल डाटा फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर, ठीक है, तो आपको यस कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे आने के बाद इस सारा नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक है, यस पे क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं तो ये आपका रिव्यू आ जाएगा, सारा जो आपने अभी डाटा सबमिट करा है उसका रिव्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू फिलिप्स, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू भी, जो जीमेल अकाउंट आपने डाला हुआ है उसके थ्रू भी आपको उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर लिया है, फ्यूचर में फिलिप्स कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो, ठीक है। इसके बाद कंपनी आपको शॉर्टलिस्टेड करेगी, शॉर्टलिस्टेड करने के बाद कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, फेस टू फेस इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका होगा, वहाँ पे आपका टेक्निकल राउंड इंटरव्यू होगा, फिर एचआर राउंड इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हो तो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें, फिलिप्स बहुत बड़ी कंपनी है। अब मैंने इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज न्यू वैकेंसी लेकर आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।